हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग चर्ल्स ट्यूरिंग थीसिस डिस्कस करेंगे। एंड चर्ल्स ट्यूरिंग थीसिस को समझने से पहले हम एक टर्म समझते हैं। सबसे पहले कंप्यूटेबिलिटी। सो अर्लियर डेज में ये डिफाइन कर पाना, फॉर्मली डिफाइन कर पाना कि कंप्यूटेबिलिटी क्या होता है, ये पॉसिबल नहीं था। तो मिस्टर एलोंजो चर्ल्स ने सबसे पहले इस कंप्यूटेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए उन्होंने एक लैम्डा कैलकुलस दिया। उन्होंने एक लैम्डा कैलकुलस की थ्योरी दी और उन्होंने बोला कि जो भी प्रॉब्लम लैम्डा कैलकुलस से सॉल्व की जा सकती है वो प्रॉब्लम एक्चुअली कंप्यूटेबल है, या कोई भी अगर सिनेरियो वो हम लैम्डा कैलकुलस से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, सो दैट प्रॉब्लम विल बी कंप्यूटेबल। जो लैम्डा कैलकुलस थी वो थोड़ी सी डिफिकल्ट कैलकुलस थी, उसको रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल था। तो एलन ट्यूरिंग ने, दिस पर्सन एलन ट्यूरिंग ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको उन्होंने नाम दिया ट्यूरिंग मशीन। और ट्यूरिंग ने ये कहा कि जो भी प्रॉब्लम ट्यूरिंग मशीन से सॉल्व की जा सकती है वो कंप्यूटेबल है। सो एक लैम्डा कैलकुलस और एक ट्यूरिंग मशीन। सो जो प्रॉब्लम लैम्डा कैलकुलस से सॉल्व की जा सकती है वो कंप्यूटेबल है, ऐसा एलन चर्च ने कहा। और जो प्रॉब्लम ट्यूरिंग मशीन से सॉल्वेबल है उसको हम उसको जो है ट्यूरिंग ने कहा कि वो कंप्यूटेबल है। सो एलन ट्यूरिंग जो थे उन्होंने सबसे पहले इजी फॉर्म में किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का एक थियरी दिया और इसको उन्होंने ट्यूरिंग मशीन कहा। नाउ सो ट्यूरिंग मशीन से जो भी प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है उसको उन्होंने कहा कि वो कंप्यूटेबल है। मिस्टर ट्यूरिंग ने एक बात और कही कि जो प्रॉब्लम ट्यूरिंग मशीन से सॉल्व की जा सकती है वही डिजिटल कंप्यूटर से भी सॉल्व की जा सकती है। इसका मतलब क्या है कि जो काम डिजिटल कंप्यूटर कर सकता है वो सारा काम ट्यूरिंग मशीन भी कर सकता है। सो यहां से चर्च ट्यूरिंग थीसिस स्टार्ट होती है और देर आर फ्यू स्टेटमेंट्स फॉर द चर्च ट्यूरिंग थीसिस दैट यू शुड रिमेम्बर। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट एनीथिंग दैट कैन बी डन ऑन एनी एग्जिस्टिंग डिजिटल कंप्यूटर कैन ऑल्सो बी डन ऑन द ट्यूरिंग मशीन। सो लेट मी राइट दिस स्टेटमेंट्स। सो द स्टेटमेंट इज एनीथिंग दैट कैन बी डन ऑन एनी डिजिटल एग्जिस्टिंग डिजिटल कंप्यूटर कैन ऑल्सो बी डन बाई द ट्यूरिंग मशीन। सो ऐसा माना गया कि जो ट्यूरिंग मशीन है दैट इज द मोस्ट पावरफुल मशीन, अब तक की जो डिजाइन मशीन है उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल मशीन है, और इसके हिसाब से जो भी काम आप कंप्यूटर पे कर सकते हैं वो सारा का सारा जो काम है आप ट्यूरिंग मशीन से भी कर सकते हैं। वाइसी वर्सा भी ट्रू है, इसका मतलब है कि जो भी काम आप ट्यूरिंग मशीन में कर सकते हैं उसको आप डिजिटल कंप्यूटर के फॉर्म में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है और अगर उसका सोल्यूशन हम ट्यूरिंग मशीन से डिजाइन कर सकते हैं, उसके एल्गोरिथम हम ट्यूरिंग मशीन से डिजाइन कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि हम उस प्रॉब्लम को कंप्यूटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट इसका ये है, सो दिस इज द सेकंड स्टेटमेंट व्हिच सेज दैट नो वन हैज येट बीन एबल टू सजेस्ट अ प्रॉब्लम सॉल्वेबल बाय व्हाट वी इंट्यूटिवली कंसीडर एन एल्गोरिथम फॉर व्हिच अ ट्यूरिंग मशीन प्रोग्राम कैन नॉट बी रिटन। सो दिस मीन्स दैट अगर हमारे पास कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके लिए हम एल्गोरिथम डिजाइन करते हैं, तो अगर एल्गोरिथम एग्जिस्ट करती है तो ट्यूरिंग मशीन का प्रोग्राम भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या है, ये आपस में इंटरचेंजेबली टर्म्स में ऐसा कह सकते हैं कि ट्यूरिंग मशीन्स के द्वारा जो सोल्यूशन है अगर वो एग्जिस्ट करता है तो एल्गोरिथम एग्जिस्ट करती है, अगर एल्गोरिथम एग्जिस्ट करती है तो उसके लिए ट्यूरिंग मशीन जो है वो एग्जिस्ट करती होगी। और अभी तक कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसको हम एल्गोरिथम से सॉल्व कर पाए लेकिन ट्यूरिंग मशीन से ना सॉल्व कर पाए। सो थर्ड स्टेटमेंट है ऑल्टरनेटिव मॉडल्स हैव बीन प्रपोज्ड फॉर मैकेनिकल कंप्यूटेशन बट नन ऑफ देम इज मोर पावरफुल देन ट्यूरिंग मशीन मॉडल। सो इट मीन्स दैट बहुत सारे मैकेनिकल मॉडल सजेस्ट किए गए जो कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज किए जा सकते हैं, बट लेकिन उनकी जो पावर्स है वो ट्यूरिंग मशीन की पावर से कम ही है। इसका मतलब है कि जो मैकेनिकल मॉडल्स सजेस्ट किए गए ऑल्टरनेटिव उनसे जो प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है, नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है, उनकी संख्या कम ही होगी देन दी ट्यूरिंग मशीन। और ट्यूरिंग मशीन मॉडल से जो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं वो सबसे ज्यादा होगी। सो दीज आर दीज थ्री स्टेटमेंट्स जिसको हम कह रहे हैं कि दिस इज द चर्च ट्यूरिंग थीसिस। और थोड़ा सा एक जानकारी चर्च और ट्यूरिंग के बारे में, ये जो मिस्टर चर्च हैं ही इज द अमेरिकन साइंटिस्ट जिन्होंने लैम्डा कैलकुलस दिया
अमेरिकन साइंटिस्ट, इन्होंने लैम्डा का कैलकुलस दिया, और मिस्टर ट्यूरिंग ने, एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग मशीन दिया। ओके, मिस्टर ट्यूरिंग जो है वो इंग्लिश साइंटिस्ट हैं, और इनका जो बर्थ हुआ था वो ब्रिटिश इंडिया में हुआ था, और इनकी जो इनिशियल एजुकेशन है वो इंडिया में ही हुई थी। सो ही स्टडीड इन इंडिया अप टू 10th क्लास, ही वॉज देयर इन द कोयम्बटूर, और इसके बाद फॉर द हायर स्टडीज ही हैज गॉन टू अमेरिका, एंड ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ मिस्टर चर्च। सो मिस्टर चर्च, जिन्होंने लैम्डा कैलकुलस दिया, या लैम्डा कैलकुलस की थ्योरी दी, मिस्टर ट्यूरिंग वॉज द स्टूडेंट ऑफ मिस्टर चर्च। नाउ दिस इज अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ मिस्टर चर्च एंड द मिस्टर ट्यूरिंग। इट इज ऑल्सो सेड दैट द ट्यूरिंग मशीन इज द मोस्ट पावरफुल मशीन डिजाइंड एज येट। तब तक जो भी जितनी भी मशीन डिजाइन की गई हैं उसमें ट्यूरिंग मशीन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और इसके अलावा ये भी ट्रू है कि जो ट्यूरिंग हैं उनके नाम से एक अवार्ड फेमस है जिसको हम कहते हैं ट्यूरिंग अवार्ड, एंड दिस इज द हाइएस्ट अवार्ड इन द कंप्यूटर साइंस। सबसे ज़्यादा जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है कंप्यूटर साइंस में, उनके रिसर्चेस पे जो सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है, दैट इज द ट्यूरिंग अवार्ड। मिस्टर एलन ट्यूरिंग को फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी कहा जाता है। सो आई होप आपको चर्च ट्यूरिंग थीसिस समझ में आई होगी, एंड यू कैन यूटिलाइज दिस इन योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।